हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर फोर एडिशनल क्वेश्चन बैंक टाइम वैल्यू ऑफ मनी गाइस तो चैप्टर नंबर फोर की एक्सरसाइज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसलिए आज हम एडिशनल क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले हैं आप अपना मॉड्यूल ओपन करके रखिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर कम्प्लीट एम सी क्यू को नोट्स करने वाला नहीं हूँ शॉर्ट में नोट्स करूँगा और मैं आपको कम्प्लीट समझाऊँगा उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस बात की मैं शोरिटी देता हूँ आइए फर्स्ट एम सी क्यू को देखते हैं सोल्यूशन नंबर वन कह रहा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट एट फाइव परसेंट पर एन एम फॉर फोर ईयर ओन ट्वेंटी थाउजेंड तो गाइस देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे पास कितना अवेलेबल है बीस हजार रेट कितना है फाइव परसेंट और टाइम कितना है फोर ईयर फाइंड हमसे क्या करवाना चाहता है गाइस देखिए हमें फाइंड करना है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है हमें कितना होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको ट्रिक नोट्स कराई थी कितनी हो जाएगी आर डिवाइडेड बाई हंड्रेड प्लस वन इन टू में प्रिंसिपल इक्वल टू दबाना है कितने टाइम्स जितने नंबर ऑफ ईयर हैं यानी फोर टाइम्स इक्वल टू दबाएंगे और माइनस प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट की कोई ट्रिक नहीं है डायरेक्ट फार्मूला है पी इन टू एन इं टू आई और बाइस देखिए प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है हमारा बीस हज़ार टाइम कितना है फोर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फाइव परसेंट तो इसको कैलकुलेट करिए आप कितना आ रहा है यहाँ पर चार हज़ार हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा आइए अब कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर मेरे पास अवेलेबल है देखिए फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड प्लस वन इन टू में बीस हज़ार इक्वल टू दबाइए कितने टाइम्स जितने नंबर ऑफ ईयर हैं यानी फोर वन टू थ्री फोर माइनस बीस हज़ार तो देख सकते हैं आप कितना आ रहा है चार हज़ार तीन सौ दस हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा चार हज़ार तीन सौ दस हमारा क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे क्या पूछा था दोनों का डिफरेंस दोनों का डिफरेंस कितना होगा तीन सौ दस हमारा करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन डी क्लियर है आइए सेकंड देखते हैं सॉल्यूशन नंबर सेकंड सेकंड में कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली बेसिस ऑन टेन थाउजेंड द रेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर बींग सिक्स एंड थर्ड ईयर नाइन अब गाइज देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि थ्री ईयर का जो है हमें इंटरेस्ट अवेलेबल है हाफ ईयरली बेसिस पे तो खासकर प्रॉब्लम होती है लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे तो गाइज देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे पास कितना है दस हज़ार टाइम कितना है थ्री ईयर का लेकिन थ्री ईयर का टाइम जो है यहाँ पर गाइज टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम टू पार्ट्स में डिवाइड क्यों करेंगे जो फर्स्ट टू ईयर हैं हमारे उस पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिक्स परसेंट और जो यहाँ पर हमारा थर्ड ईयर है यानी वन ईयर ही मान लेते हैं उसको उसके लिए हमारा नाइन परसेंट और ये किस पे है हाफ़ ईयरली बेसिस पे आइए कैलकुलेट कर लेते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ट्रिक मैं आपको नोट्स करा चुका हूँ लेकिन यहाँ पर ट्रिक में कुछ चेंजेस होंगे क्योंकि हाफ ईयरली बेसिस पे तो कितना हो जाएगा आठ डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड प्लस वन इंटू में प्रिंसिपल इक्वल टू दबाना है कितने टाइम्स इक्वल टू दबाएंगे गाइस सब देखिए सबसे पहले हम टू ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो टू ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे फोर तो फोर टाइम्स इक्वल टू दबाना होगा हमें आइए माइनस प्रिंसिपल करते हैं हम किसको कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए तो माइनस प्रिंसिपल नहीं करेंगे हम क्योंकि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी हमें थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आइए लेकिन मैंने आपको बता दिया तो गाइज देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से सिक्स डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड प्लस वन इन टू में दस हज़ार इक्वल टू कितने टाइम्स फोर वन टू थ्री फोर तो गाइज़ देख सकते हैं आप कितना आ रहा है ग्यारह हज़ार दो सौ पचपन हमारा अमाउंट आएगा अभी हमने प्रिंसिपल माइनस नहीं किया क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना हमें क्या चाहिए अमाउंट ग्यारह हज़ार दो सौ पचपन हमारा क्या आ गया ये अमाउंट आ गया निकल के अब गाइज़ देखिए हमेशा ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें मिलता है ना वो प्रिंसिपल पर नहीं मिलता प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर मिलता है तो कई इस देखिए इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अवेलेबल है यानी मैं कह सकता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मैं इसमें से दस हज़ार माइनस कर दूँ तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा यानी बारह सौ पचपन तो जो मुझे यहाँ पर थर्ड ईयर के लिए यानी एक ईयर के लिए जो हम कैलकुलेट करेंगे नाइन परसेंट पर लेकिन रियल में कितना आई है थर्ड ईयर के लिए है तो थर्ड ईयर के लिए कितने पे मुझे जो इंटरेस्ट रिसीव होगा नाइन परसेंट से वो कितने अमाउंट पे होगा प्रिंसिपल पे तो होगा ही होगा दस हज़ार पे प्लस किस पे होगा बारह हज़ार बारह सौ पचपन पे अलग से हुआ तो इसलिए मैंने यहाँ पर टोटल अमाउंट रखा अभी ग्यारह हज़ार दो सौ पचपन आइए तो again, भाई देखिए अगेन सेम ट्रिक अप्लाई होगी आर डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड प्लस वन इन टू में पी इक्वल टू दबाना है कितने टाइम्स दबाएंगे भाई अब इक्वल टू हम वन ईयर के लिए कैलकुलेट के कर रहे हैं तो वन ईयर में कितने हाफ ईयर टू तो टू टाइम्स इक्वल टू दबाना है हमें क्लियर है और गाइज देखिए प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल होगा हमारा ग्यारह हज़ार दो सौ पचपन क्योंकि ये बात मैं अभी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे होता है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमें कम प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट रिसीव होता रहता है हमारा जो कम इंटरेस्ट होता है उस पर हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा ये होता है कि इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है हमें आइए तो अगर देखिए कितना हो जाएगा नाइन डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड प्लस वन इन टू ग्यारह हज़ार दो सौ पचपन इक्वल टू दबाइए कितने टाइम्स टू वन टू तो अगर देख सकते हैं आप कितना आ रहा है यहाँ पर बारह हज़ार दो सौ नब्बे माइनस कर दीजिए दस हज़ार तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा थ्री ईयर के लिए दो हज़ार दो सौ नब्बे क्लियर है यानी टू टू नाइन जीरो आपका करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन डी क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज ियर सोल्यूशन नंबर थर्ड सोल्यूशन नंबर थर्ड देखिए द परजेंट वैल्यू ऑफ दस हजार दस हजार की हमें प्रजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है यानी हमारे पास क्या अवेलेबल है फ्यूचर वैल्यू कितनी है दस हजार ड्यू इन टू ईयर एट फाइव परसेंट पर एन एम कंपाउंड इंटरेस्ट वैन इंटरेस्ट इज पेड ऑन ईयरली बेसिस इली बेसिस है गाइज आप हमेशा ध्यान रखना ईयरली बेसिस है हाफ ईयरली बेसिस है क्वार्टरली बेसिस है उस पर क्या होता है ना हमारी ट्रिक जो है चेंज होने लग जाती है क्योंकि जो हम नंबर ऑफ इक्वल टू दबाते हैं ना इक्वल टू दबाते हैं उसका हमें डिसाइड करना होता है कि कितने टाइम्स इक्वल टू दबाना है हमें तो यहाँ पर ईयरली बेसिस है यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो रेट कितना हो गया फाइव परसेंट टाइम कितना है टू ईयर अब गाइस देखिए प्रजेंट वैल्यू को मैंने कैलकुलेट करने के लिए आपको ट्रिक बताई थी यदि हमारे पास फ्यूचर वैल्यू अवेलेबल होती है तो हम इस ट्रिक का यूज़ करते हैं वन प्लस आर परसेंट डिवाइड का साइन इनटू में फ्यूचर वैल्यू और इक्वल टू दबाते हैं कितने टाइम्स जितने नंबर ऑफ ईयर हैं यहाँ पर कितने टाइम्स दबाएंगे टू टाइम्स आइए देखिए वन प्लस फाइव परसेंट डिवाइड इक्वल टू दबाना है वन टू इन टू में आप कर दीजिए दस हज़ार यानी फ्यूचर वैल्यू तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है नौ हज़ार सत्तर यानि नाइन जीरो सेवन जीरो इसका करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए सोल्यूशन नंबर फोर देखिए यानी एम सी क्यू फोर एम सी क्यू फोर में कह रहा है द परसेंट वैल्यू ऑफ दस हज़ार ड्यू इन टू ईयर एट फाइव परसेंट कम्पाउंड इंटरेस्ट वैन इंटरेस्ट इज पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस का इस देखिए सेम है प्रजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है फ्यूचर वैल्यू दस हज़ार है रेट फाइव परसेंट है टाइम टू ईयर है लेकिन अब क्या कहा जो इंटरेस्ट है वो किस पे चार्ज होगा हाफ ईयरली बेसिस पे तो हाफ ईयरली बेसिस पे गाइज आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा नंबर ऑफ इक्वल टू आइए तो गाइज देखिए ट्रिक क्या अप्लाई होगी यहाँ पर वन प्लस आर परसेंट डिवाइड का साइन इन टू में फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू कितने टाइम्स दबाना है अब गाइज देखिए टू ईयर में हाफ ईयरली कितने होते हैं फोर तो फोर टाइम्स इक्वल टू दबाएंगे आप आइए देखते हैं तो कहींज देखिए वन प्लस फाइव परसेंट डिवाइड इंटू वन टू थ्री फोर इन टू में फ्यूचर वैल्यू यानी दस हजार इक्वल टू तो भाई देख सकते हैं आप कितना आ रहा है आठ हजार दो सौ सत्ताइस इसका करेक्ट आंसर होगा एट टू टू सेवन इसका करेक्ट आंसर है और इसको सेटिस्फाई करेगा वो आपका ऑप्शन डी आपके मॉड्यूल में ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा आइए फिफ्थ देख लेते हैं फिफ्थ में कह रहा है जॉनसन लेफ्ट वन लाख रुपीज विद द डायरेक्शन डेट इट शुड बी डिवाइडेड इन सच ए वे डेट हिज माइनर सन टोम डिक एंड हैरी एज नाइन ट्वेल्व एंड फिफ्टीन ईयर शुड ईच रिसीव इक्वली आफ्टर अटेनिंग द एज ट्वेंटी फाइव ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिंग थ्री पॉइंट फाइव परसेंट हाउ मच ईच सन रिसीव आफ्टर गेटिंग ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड कह रहा है जॉनसन जो है एक लाख रुपये छोड़ के गया है अपने तीनों सन के लिए तीन सन हैं उसके टोम डिक एंड हैरी जिनकी एज है नौ बारह पंद्रह उन तीनों को इक्वल अमाउंट रिसीव होगा कब होगा जैसे जैसे वो ट्वेंटी फाइव ईयर के होते जाएंगे तो सबसे पहले ट्वेंटी फाइव ईयर का कौन होगा जो सबसे बड़ा होगा यानी हैरी फिफ्टीन ईयर का है तो वो दस साल बाद कितने का हो जाएगा पच्चीस साल का हो जाएगा तो सबसे पहले हैरी को अमाउंट रिसीव होगा अब गाइज देखिए इसके जो आपके मॉड्यूल में ऑप्शन अवेलेबल हैं वो नोट्स करिए सबसे पहले ऑप्शन ए पचास ऑप्शन बी फाइव वन नाइन नाइन फोर ऑप्शन सी बावन हज़ार और ऑप्शन डी आपके मॉड्यूल में है नन लेकिन मैं आपको ऑप्शन डी नोट्स करा रहा हूँ यहाँ पर फाइव वन नाइन फोर सेवन देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फाइव वन नाइन फोर सेवन कैसे आया इसकी चर्चा किसी और दिन करेंगे अभी आपको जो है समझने पे ध्यान देना है कि ये सॉल्व कैसे होगा तो मैं इसको जो सॉल्यूशन कराऊंगा आपको मैं कंप्लीट सॉल्यूशन इसका ऑप्शन के थ्रू कराने वाला हूँ क्लियर है तो हम फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट मान के चलते हुए यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं यदि आपके एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है सभी ऑप्शन को पुट करके देखना है जो भी ऑप्शन आपको लास्ट में अमाउंट जीरो देगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा लास्ट में जीरो देने का मतलब क्या है क्योंकि गाइस देखिए मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास एक लाख बीस हज़ार रुपये हैं और मुझे तीन पार्ट्स में इक्वल बांटने हैं उसको तो आप क्या कहेंगे कि सर चालीस चालीस हज़ार रुपये आप जो हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए मैंने कहा ओके मैंने चालीस चालीस हज़ार डिस्ट्रीब्यूट करी तो मेरे पास क्या बचेगा जीरो क्योंकि मुझे तीन लोगों में बांटने थे तीनों में मैंने बांट दिए तो भाई यहाँ पर भी ये ऐसा ही कहना चाहता है कि एक लाख रुपये जो है हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं भी थ्री पॉइंट फाइव परसेंट के रेट से और तीनों सन को इक्वल मिलना चाहिए अब तीनों सन को इक्वल कब मिलेगा कि लास्ट में मेरे पास जब जीरो बचेगा तो मैं डी ऑप्शन को करेक्ट मानते हुए यहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन करा रहा हूँ अब गाइस देखिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी आठ डिवाइडेड बाय हंड्रेड प्लस वन इन टू में प्रिंसिपल इक्वल टू दबाने कितने टाइम्स जितने नंबर ऑफ ईयर होंगे आइए नंबर ऑफ ईयर कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले कितने होंगे तो गाइस देखिए यहाँ पर तीन सन है टोम डिक और हैरी इसकी एज है नाइन इसकी ट्वेल्व और इसकी फिफ्टीन अब इस देखिए पच्चीस साल का होगा कब हो जाएगा पच्चीस साल का टेन ईयर यानी दस साल बाद ये पच्चीस साल का हो जाएगा जब ये पच्चीस साल का होगा तो गाई देखिए कितने का हो जाएगा यहाँ पर ट्वेंटी टू का और ये कितने का हो जाएगा गाइज देख सकते हैं आप उन्नीस का क्लियर तो दस साल बाद ये अपना अमाउंट ले जाएगा गाई इसमें कंडीशन क्या है कि जो पच्चीस साल का होता जाएगा वो अपना अमाउंट लेके चला जाएगा तो आइए तो वाइस देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं और हमारे पास अवेलेबल है कितना थ्री पॉइंट फाइव परसेंट प्रिंसिपल हमारे पास अवेलेबल है कितना वन लैख रुपीज़ आइए तो वाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं देखिए थ्री पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड प्लस वन इंटू में वन लैख इक्वल टू दबाना कितने टाइम्स जितने नंबर ऑफ ईयर हैं यानी टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो गाइज देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर एक लाख इकतालीस हजार उनसठ इसको नोट्स कर लीजिए गाइज देखिए जो हमारे पास टोटल अमाउंट्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एक लाख इकतालीस हज़ार उनसठ रुपये हो जाएगा दस साल बाद दस साल बाद हैरी भाई साहब आएंगे कहेंगे जी सर मुझे मेरा शेयर दे दीजिए उनका शेयर हम कितना मान के चल रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग माइनस फाइव वन नाइन फोर सेवन क्लियर कर लीजिए माइनस फाइव वन नाइन फोर सेवन तो अगर देख सकते हैं आप कितना आएगा यहाँ पर एट नाइन वन वन 2.87 हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा री इन्वेस्ट करने के लिए री इन्वेस्ट हम किसके लिए करेंगे डिक और टोम के लिए अब गाइस देखिए ये 25 का हो गया ये अपना अमाउंट ले गया इससे अब इस अमाउंट में कोई लेना देना नहीं है जो यहाँ पर हमारा कितना बचाए नवासी हजार एक रुपए बचें इसमें अब हैरी का कोई लेना देना नहीं है ये अपना अमाउंट लेने आएगा कब जब ये 25 साल का हो जाएगा 25 साल का, का कब हो जाएगा अभी 22 का पच्चीस होने में कितने हो जाएंगे थ्री ईयर तीन साल बाद ये पच्चीस को हो जाएगा तो हम अमाउंट को री इन्वेस्ट करेंगे कितने ईयर के लिए थ्री ईयर के लिए आइए करते हैं थ्री ईयर के लिए तो बाईस देखिए कितना थ्री पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड प्लस वन इंटू में प्रिंसिपल अब कितना हो जाएगा एट नाइन वन वन टू तो एट नाइन वन वन टू पॉइंट एट सेवन इक्वल टू दबाइए कितने टाइम्स इक्वल टू दबाना है कितने के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अब हम थ्री ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वन टू थ्री तो गाइस देख सकते हैं आप अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख लीजिए तीन साल बाद नाइन एट एट जीरो वन पॉइंट जीरो थ्री अब कौन आएंगे हमारे पास डिक भाई साहब आएंगे कहेंगे मुझे मेरा अमाउंट दे दीजिए हम कहेंगे आप ले जाइए अपना अमाउंट आपका अमाउंट कितना था यहाँ पर फाइव वन नाइन फोर सेवन तो माइनस कर लीजिए फाइव वन नाइन फोर सेवन तो गाई देखिए कितना बचा यहाँ पर फोर सिक्स एट फाइव 4.03 इसको हम अगेन क्या करेंगे री इन्वेस्ट करेंगे कितने ईयर के लिए करेंगे अब गाइस देखिए जब ये 25 का होगा ऐसा तो होगा नहीं यहाँ पर ये 19 का ही रहेगा इसमें भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी कितने ईयर की होगी थ्री तो ये कितने का हो चुका होगा ट्वेंटी ईयर का हो चुका होगा जब ये पच्चीस का होगा तो अगर देखिए अब ये कितने साल बाद आएगा तीन साल बाद आएगा कहेगा मेरा अमाउंट मुझे दे दीजिए पच्चीस का होने पर तो हम अगेन क्या करेंगे इस अमाउंट को थ्री ईयर के लिए अगेन इन्वेस्ट कर देंगे तो आइए ये देखते हैं थ्री पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड प्लस वन इन टू कितना करना है गाइस देख सकते हैं आप फोर सिक्स एट फाइव फोर पॉइंट जीरो थ्री इक्वल टू दबाना है कितने टाइम्स थ्री वन टू थ्री तो गाइस देख सकते हैं आप कितना आ रहा है फाइव वन नाइन फोर सेवन हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है अब लास्ट में हमारे पास कितना अमाउंट बचेगा फाइव वन नाइन फोर सेवन और कौन आएंगे अब हमारे पास टोम भाई साहब आए आएंगे और कहेंगे मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए उनका हिस्सा कितना था यहाँ पर माइनस फाइव वन नाइन फोर सेवन इज इक्वल टू कितना आ गया जीरो तो हमारे पास एंड में कितना बचेगा जीरो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि गाइस देखिए कोई भी मुझे एक लाख रुपीस दे के जाता है कहता है कि दस साल बाद आप मुझे मेरे सन को मेरे सन्स को इसको इक्वल अमाउंट्स में बांट देना मेरे थ्री सन है और आपको मैं इंटरेस्ट चार्ज करूँगा बीस हज़ार का मैंने कहा ओके दस साल के लिए बीस हज़ार का मुझसे इंटरेस्ट चार्ज किया गया तो मेरे पास कितना अमाउंट हो गया एक लाख बीस हज़ार तब मैं ऐसा तो होगा नहीं कि इक्वल भी बांट रहा हूँ एक लाख बीस हज़ार को और अपने पास भी कुछ बचा रहा हूँ मेरे पास कितना बचेगा कुछ नहीं बचेगा मुझे कंप्लीट एक के बीस एक बीस के एक बीस को उसके सेंस में डिवाइड करना होगा क्लियर तो गाइस देखिए इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग नन होगा और मेरे अकॉर्डिंग ये होगा क्लियर है तो आप ऑप्शन पुट करके देख सकते हैं जो भी ऑप्शन आपको इज इक्वल टू जीरो देगा लास्ट में वो आपका करेक्ट आंसर होगा मोस्टली स्टूडेंट्स को इस एम सी क्यू में प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने आपके साथ इसको डिस्कस किया है तो गाइस देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी हमारा अमाउंट क्या कह रहा है कि जो सम ऑफ मनी है वो डबल होने हो जानी चाहिए तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है गाइस देखिए पी इन टू वन प्लस आई की पावर है आपको ये आपकी बुक में भी अवेलेबल हो जाएगा ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है आपको इसका यूज करना होगा अब क्योंकि हमें एग्जैक्ट जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है हमें वो अमाउंट चाहिए तो गाइज देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि जो अमाउंट है वो डबल हो जाना चाहिए सम ऑफ मनी डबल फाइव परसेंट पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट तो गाँव देखिए क्या कहना चाहता है टू पी हो जाए मैं पी इन्वेस्ट करता हूँ तो ये टू पी हो जानी चाहिए तो ये कितना हो जाएगा वन प्लस फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड की पावर एन क्लियर देखिए पी से पी कैंसिल कितना बचा टू इज इक्वल टू आप इसको कर लीजिए कितना हो जाएगा 1.05 की पावर एन अब यहां से आगे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग ऑन बोथ साइड तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा लोक टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लोग, लोग 1.05 की पावर एन और मैंने आपको बताया था कि लोक के साथ किसी की भी पावर होती है तो वो आगे आ जाती है तो ये कितना हो गया गाइस देखिए लोक टू इज इक्वल टू एन इन टू में लोक वन पॉइंट जीरो फाइव तो एन इज़ इक्वल टू कितना हो गया गाइस देखिए लोक टू डिवाइडेड बाय लोक वन पॉइंट जीरो फाइव देखिए लोक टू की वैल्यू लोक टू की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है लोक टू की वैल्यू होती है पॉइंट थ्री डबल जीरो नाइन डिवाइडेड बाय लोग 1.05 की वैल्यू कितनी होती है देखिए पॉइंट जीरो टू वन वन क्लियर है आइए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इस्टोड तो घबराइए है मत घबराइए मत घबराइए मत अभी बताता हूँ कैसे आइए एक सेकेंड रुकिए बस देखिए कितने पॉइंट थ्री डबल जीरो नाइन डिवाइडेड बाई पॉइंट जीरो टू वन वन डिवाइड करिए आप देख सकते हैं कितना आ रहा है यहाँ पर फोर्टीन पॉइंट टू क्लियर है फोर्टीन पॉइंट टू आपका करेक्ट आंसर होगा फोर्टीन पॉइंट टू यानी फोर्टीन ईयर टू मंथ्स तो भाई इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन बी तो कभी भी इस टाइप से ऑप्शन आ जाए ना मिलते जुलते बिल्कुल कि 14.2 मंथ्स 14.3 मंथ तो इस टाइप में आपको क्या करना होगा लोक का यूज करना होगा अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ठीक है ये बात तो आपकी समझ में आ गई हमें लोक का यूज करना है लेकिन लोक टू को आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया तो गाइस देखिए आपको ये ट्रिक नोट्स करनी पड़ेगी लोक के लिए ट्रिक है ये अभी आप इन पे ध्यान मत दीजिए इस इस पे और इस पे और ध्यान मत दीजिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये ट्रिक नोट्स करनी है है क्लियर जो भी आपकी वैल्यू है उसके अंडर रूट दबाना है आपको ट्वेल्व टाइम्स माइनस वन करना है डिवाइड जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो फाइव सिक्स टू थ्री जीरोक्वल टू दबाना है क्लियर है आपकी लॉक की वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी सर इतना याद कैसे करेंगे भाई जब आप पाँच छः एम की प्रैक्टिस करेंगे ना आपको ये वैल्यू ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी क्लियर आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटर पर करके कि log टू की वैल्यू कैसे आई है तो देखिए मैंने आपको ट्रिक क्या दिखाई है टू अंडर रूट तब आना है कितने टाइम्स ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टवेल्व माइनस वन डिवाइड करना है किससे पॉइंट ट्रिपल ज़ीरो फाइव सिक्स टू थ्री जीरो वन इक्वल टू तो भाई आप देख सकते हैं वैल्यू कितनी आ गई पॉइंट थ्री डबल ज़ीरो नाइन आपको फोर डिजिट तक लेना है पॉइंट के बाद ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो हमारी आपने थ्री भी ले लिए ना तो आपके पॉइंट इधर से उधर हो जाएंगे और भाई आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा इसलिए पॉइंट के बाद फोर डिजिट तक लेना क्लियर ले है आइए 1.05 पॉइंट जीरो के भी दिखा देता हूँ देखिए 1.05 पॉइंट जीरो फाइव अंडर रूट दबाइए कितने टाइम्स 12 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व माइनस वन डिवाइड पॉइंट जीरो टू थ्री जीरो देख सकते हैं कितनी आ रही है पॉइंट जीरो टू वन वन क्लियर है आइए सॉल्यूशन नंबर सेवन सॉल्यूशन नंबर सेवन में कह रहा है देखिए इन हाउ मेनी वेज सम ऑफ पनी ट्रिपल एट फाइव परसेंट पर एन एम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस आप गाइज यहां पर हाफ ईयरली बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है तो गाइस देखिए अगेन हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना होगा कितना हो जाएगा वन प्लस आर डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड की पावर कितनी हो जाएगी टू एंड इन में प्रिंसिपल अब गाइज देखिए डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड क्यों क्या है क्योंकि हाफ ईयरली बेसिस है और हाफ ईयरली बेस है तो गाइज एक ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे टू इन तो में कितना हो जाएगा टू क्लियर है आप दे गाइस देखिए यहाँ पर कितना कह रहा है यहाँ पर थ्री पी इज इक्वल टू पी यहाँ कितना हो गया वन प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड की पावर टू एन पी से पी कैंसिल तो कितना हो गया गाइस देखिए थ्री इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा वन पॉइंट जीरो टू की पावर टू एन लोग ऑन बहुत साइड कट लेना आप तो गाई देखिए कितना हो गया यहाँ पर लोग थ्री इज इक्वल टू टू एन लोग वन पॉइंट जीरो टू फाइव आइए इसको इधर ले आइए तो गाइज़ देखिए एन इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर लोक थ्री डिवाइडेड बाई टू लो वन पॉइंट जीरो टू वैल्यू कैलकुलेट करिएगा इस देखिए यहाँ पर लोक थ्री की वैल्यू मेरी कितनी होती है लोक थ्री की वैल्यू होती है फोर सेवन सेवन जीरो पॉइंट और डिवाइडेड बाय टू इंटू में लोक वन पॉइंट जीरो टू फाइव की वैल्यू कितनी होगी गाइस देखिए यहाँ पर पॉइंट जीरो वन जीरो सेवन क्लियर आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं गाइस देखिए लॉग थ्री की वैल्यू कैसा ये आपको अगेन मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ थ्री की आप खुद करना मैं आपको वन पॉइंट जीरो टू फाइव की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ तो गाइस देखिए वन पॉइंट जीरो टू फाइव एक अंडर रूट दबाना है कितने टाइम्स 12 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व माइनस वन डिवाइड पॉइंट ट्रिपल जीरो फाइव सिक्स टू थ्री जीरो वन इक्वल टू तो गाइस देख सकते हैं आप कितनी आ रही है जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो सेवन क्लियर है इसमें क्या करिए इंटू में टू कर लीजिए इंटू में टू करता हूँ तो गाइज़ देखिए कितनी आएगी यहाँ पर फोर सेवन सेवन जीरो डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो टू वन फोर फोर डिजिट तक हमें लेनी है आइए डिवाइड करते हैं तो पॉइंट फोर सेवन सेवन जीरो डिवाइडेड बाय पॉइंट जीरो टू वन फोर तो गाइज़ देखिए आपका कितना आ रहा है यहाँ पर ट्वेंटी टू पॉइंट टू एट तो गाइए आप क्या करिए यहां पर ट्वेंटी पॉइंट थ्री ईयर हो जाएगा आपका तो गाइज देखिए ट्वेंटी थ्री यानी बाईस साल पूरे और थ्री मंथ यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा क्लियर आइए एट को भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ सॉल्यूशन नंबर एट नाइन और टेन आपके लिए होमवर्क होगा अब गाइस देखिए मशीन का कभी भी सवाल आता है मैंने उसके लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई हुई है कितनी होती है वन माइनस आर परसेंट इन में हम करते हैं मशीन की वैल्यू इक्वल टू दबाते हैं कितने टाइम जितने नंबर ऑफ ईयर हैं और इज इक्वल टू में क्या जाती है मेरी स्क्रैप वैल्यू जितने नंबर ऑफ ईयर है अब गाइस देखिए यहाँ पर तो मेरे पास नंबर ऑफ ईयर ही मेरे से पूछ रहा है तो यहाँ पर स्टूडेंट सोच रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे डेफिनेटली करेंगे आइए देखते हैं तो भाई देखिए सबसे पहले रेट ऑफ रिटर्न कितना है टेन परसेंट जो डेप्रिससन का रेट है वो कितना है टेन परसेंट कॉस्ट कितनी है मशीन की कोस्ट है यहाँ पर तेईस हज़ार दो सौ चालीस स्क्रैप वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है स्क्रैप वैल्यू कितनी है नौ हज़ार हमें कैलकुलेट क्या करना है ईयर हमें कैलकुलेट करना है यानी टाइम हमें कैलकुलेट करना है तो गाइज़ देखिए ये चीज़ भी मेरे पास अवेलेबल है ये चीज़ भी मेरे पास अवेलेबल है नंबर ऑफ़ ईयर हम उतने टाइम्स दबाएंगे जब तक कि हमारी स्क्रब वैल्यू नहीं आ जाती यानी 9000 नहीं आ जाता जैसे ही हमारा 9000 आ जाएगा हम रुक जाएंगे और वही हमारे क्या होंगे नंबर ऑफ़ ईयर होंगे आइए दिखाता हूँ कैसे तो गाइज़ देखिए हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग वन माइनस टेन परसेंट इन टू में मशीन की वैल्यू मशीन की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं यहाँ पर तेईस हज़ार दो सौ चालीस तेईस हजार दो सौ चालीस इक्वल टू दबाना है कितने टाइम्स जब तक का हमारा स्क्रब वैल्यू नहीं आ जाती आइए दबाते हैं तो कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन टाइम्स इक्वल टू दबाने पर मेरी वैल्यू काइज देख सकते हैं आप कितनी आ गई है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली नो हज़ार आ गई तो हमें आगे जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है नो ईयर हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा नाइन ईयर और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन सी क्लियर है ऑप्शन सी आपको इसका ये ऑप्शन जो है सेटिस्फाई करेगा वो करेक्ट आंसर होगा अब गाइस देखिए मैं आपको टेन ईयर दबा के दिखा देता हूँ इसमें टेन ईयर जो आपका ऑप्शन डी है देखिए कितनी हो गई इक्यासी सौ लेकिन हमें कितनी चाहिए थी नौ हज़ार तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा यहाँ पर नाइन ईयर होगा यानी ऑप्शन सी होगा नाइन और टेंथ के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ आप खुद करेंगे मशीन मशीन वर्थ वर्थ गाइस देखिए डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है और वैन द वैल्यू रिड्यूस कह रहा है दो लाख यानी स्क्रब वैल्यू दी हुई है आपकी ये टू लाख रुपीज कह रहा है कितने ईयर में हो जाएगी अब गाइस देखिए अगेन यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी फोर ईयर सिक्स मंथ फोर ईयर सेवन मंथ फोर ईयर फाइव मंथ दिया हुआ है करना आप नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे इसको वाओ टेंथ में भी गाइस सेम है इलेवन ईयर सिक्स मंथ इलेवन ईयर सिक्स मंथ्स इलेवन ईयर सेवन मंथ्स इलेवन ईयर एट मंथ्स गाइस दोनों को ही मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे जल्दी जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से और अपनी पेपर की प्रिपरेशन प्रॉपर वे में करते रहिए